मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी डाउट का करिए सफाया डाउटनेट ऐप के साथ। कोई भी क्वेश्चन का फोटो खींचो, स्कैन करो और मात्र 3 सेकंड में सॉल्यूशन पाओ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए डाउटनेट ऐप को। क्लास 6 से 12 नीट IIT JEE मेंस एंड एडवांस सारा डाउट का सॉल्यूशन मात्र आपको 3 सेकंड में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी है, वहां से भी आप कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मात्र 3 सेकंड में पा सकते हैं। जो भी छात्र 18 की इसके BA BSc BCom का जो रिजल्ट करेक्शन का फॉर्म भरे थे, उनका रिप्लाई कंप्यूटर सेंटर VKSU के द्वारा आपको मेल के माध्यम से आना शुरू हो गया है। आपको इस वीडियो में चलिए बता देते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए रिजल्ट करेक्शन रिस्पांस आपका, देखिए यहाँ पर CC VKSU ऐसे ही आपको ईमेल के माध्यम से मैसेज आएगा। देखिए यहाँ पर लिखता है, नमस्ते सोनाली कुमारी जी, हमें आपका निवेदन प्राप्त हुआ। अपने फॉर्म में अपना रोल नंबर बताया है, ये देखिए ये अपना रोल नंबर ये बताए हैं, और आपकी शिकायत में आपने लिखा है, सर माय रिजल्ट इज नॉट सो, मेरा नाम सोनाली कुमारी है, मेरा BA ऑनर्स 18-21 है। तो देखिए ये रिजल्ट करेक्शन का फॉर्म भरी थी, इसके बाद देखिए इनको CC VKSU कंप्यूटर सेंटर के द्वारा रिप्लाई आया है कि हमारी प्रतिक्रिया, देखिए हमारी प्रतिक्रिया मतलब ये वीर कोर्स की प्रतिक्रिया है कि आपके OMR पर वीक्षक द्वारा अंक नहीं अंकित किया गया है, कॉपी संबंधित विभाग में भेज दी गई है, परंतु कोरोना के कारण विभाग बंद है। विभाग द्वारा जब आपके कॉपी पर नंबर अंकित करके भेजा जाएगा तब आपका परीक्षा फल प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो देखिए कंप्यूटर सेंटर के द्वारा आपको रिप्लाई आ गया कि इनका जो वीक्षक के द्वारा OMR पर अंक को नहीं चढ़ाया गया था, इसलिए इनका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। विभाग में कॉपी भेज दिया गया है, कोरोना के चलते विभाग बंद है, जैसे ही खुलेगा रिजल्ट को प्रकाशित कर देगा VKSU वाला। तो देखिए इसको जितना हो सके छात्र हित में शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए ऐसे ही आपको ईमेल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि आपका रिजल्ट जारी क्यों नहीं हुआ है और आपका रिजल्ट कब तक जारी कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर साफ बता दिया गया है कि ये कारण था, और जैसे ही विभाग खुलेगा तो इनका रिजल्ट को जारी कर देगा VKSU वाला। तो ऐसे ही आपको रिप्लाई आएगा, तो रिजल्ट करेक्शन का आप लोग फॉर्म को जरूर भरिएगा। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से। VKSU के ऐसे स्टूडेंट जिनका सत्र 2018-21 है, बार बार एक ही सवाल करते हैं कि सर BA का रिजल्ट आया था, मेरा रिजल्ट प्रमोटेड हो गया था, हम एग्ज़ाम दिए थे, प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम दिए थे, फिर भी रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। ऐसे ही BSc के छात्र पूछते हैं, ऐसे ही BCom के छात्र पूछते हैं, ऐसे ही पास कोर्स के छात्र पूछते हैं। तो आपको बता दें, जो आपका पार्ट 1 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें लगभग 60,000 बच्चे थे, लेकिन लगभग 47,000 छात्रों का रिजल्ट जारी किया है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा। लगभग 13,000 ऐसे छात्र हैं जिनका रिजल्ट को रोक दिया गया है, पेंडिंग कर दिया गया है। तो आपसे एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा रिक्वेस्ट करता है, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा के कंप्यूटर सेंटर द्वारा BA का, BSc का, BCom का और पास कोर्स का जो रिजल्ट आपका पेंडिंग हुआ है, रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, उसका रिजल्ट करेक्शन फॉर्म को नया रूप से जारी किया गया है। तो आपसे एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा रिक्वेस्ट करता है, अगर आप पहले भी फॉर्म भर दिए हैं तो एक बार फॉर्म को जरूर भरिएगा, नया लिंक एक्टिवेट कर दिया गया। इस वीडियो को जितना हो सके छात्र हित में शेयर जरूर कीजिएगा। कैसे आपको रिजल्ट करेक्शन का फॉर्म को भरना है, चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो देखिए आपको यूनिवर्सिटी का साइट को खोल लेना है, और यहाँ पर आपको स्टूडेंट जोन पर जाना है, और यहाँ पर आपको रिजल्ट पर क्लिक करना है। रिजल्ट पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस हो, तो इसमें आपको नीचे आना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है BSc पास कोर्स, BA पास कोर्स, BCom पास कोर्स, यहाँ से आप रिजल्ट देख पाएंगे। अगर आपका BSc पास कोर्स, BA पास कोर्स, BCom पास कोर्स में कोई भी रिजल्ट में गड़बड़ी है, आप एग्ज़ाम दिए हैं, रिजल्ट रोक दिया गया है, तो यहाँ से रिजल्ट करेक्शन का फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसे ही आप BSc ऑनर्स, BA ऑनर्स और BCom ऑनर्स का भी अगर आपका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है तो आप रिजल्ट सुधार का फॉर्म को भर सकते हैं। BA का भी जब रिजल्ट सुधार का शुरू में आया था तो वीडियो आ गया था, BSc का भी आ गया था। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा देंगे, स्टेप बाय स्टेप उसमें बताए हैं कैसे आपको रिजल्ट करेक्शन का फॉर्म को भरना। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, आप एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा का मेंबरशिप ले लीजिए। बहुत सारे बच्चे कॉल मैसेज करके सवाल करते हैं, जो भी आपका यूनिवर्सिटी का BA BSc BCom का डाउट रहता है, बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं। लगभग डेली 300 से 400 कॉल आता है जिसे पिकअप करना संभव नहीं रहता है। तो आप लोग के लिए हमारी टीम 24/7 वर्क करेगी। तो आप एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा का मेंबरशिप ले लीजिए, आप
पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे पर इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है। 50 रुपीज़ आपको एक बार पेमेंट करना है। उसके बाद आप इस पेमेंट को इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। उसके बाद आपका नंबर को सेव कर लिया जाएगा। उसके बाद जो भी आपका डाउट है एडमिशन से रिलेटेड, एग्जामिनेशन से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। आपका नंबर को सेव कर लिया जाएगा। आप जब भी कॉल कीजिएगा आपको रिस्पांस मिलेगा। मान लीजिए व्यस्तता के कारण अगर आपका कॉल नहीं उठता है तो आपको कॉल बैक जरूर किया जाएगा और आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको जरूर हमारी टीम के द्वारा रिजॉल्व किया जाएगा। देखिए बहुत सारा कॉल आता है, हम लोग प्रयास करते हैं कि सबका कॉल को रिस्पॉन्स दिया जाए, व्हाट्सएप पर मैसेज को रिस्पॉन्स दिया जाए, ईमेल पर रिस्पॉन्स दिया जाए, लेकिन संभव नहीं रहता। अभी समझ सकते हैं, इसलिए हम लोग मेंबरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं जिससे एक टीम हम लोग बैठा दें और आपका जो भी डाउट है हमारी टीम आपका डाउट को रिजॉल्व कर देगी ना है। क्योंकि देखिए आपको ये ऑनलाइन ही भरना है और ऑनलाइन ही आपको ईमेल पर बता दिया जाएगा कि आपका रिजल्ट क्यों जारी नहीं हुआ है, क्या कारण है, क्या कमी है जिससे लगभग 13,000 छात्रों का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। तो आपसे एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा रिक्वेस्ट करता है आप रिजल्ट सुधार का फॉर्म जरूर भर दिए। चाहे बात हो प्रमोटेड का या प्रैक्टिकल दिए हैं फिर भी आपका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। आपका रिजल्ट किसी भी हाल में अगर स्नातक पार्ट वन का, BSc ऑनर्स, BA ऑनर्स, BCom ऑनर्स या पास कोर्स का जारी नहीं हुआ है तो आप रिजल्ट करेक्शन का फॉर्म वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के साइट पर जाके यही स्टेप को फॉलो करके भर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो आ गया है, उसको देख लीजिए, उसमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी इसको देख सकते हैं। कैसे टेलीग्राम ग्रुप पर देखिएगा, चलिए आपको बताते हैं। और ये देखिए आपको टेलीग्राम पर जाके सर्च करना है VKSURA ऑफिशियल। क्या सर्च करना है? टेलीग्राम एक ऐप होता है, इसको इंस्टॉल कर लीजिए और सर्च कीजिए VKSURA ऑफिशियल। लगभग इसमें आपका 3600 छात्र जुड़े हैं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के। और देखिए यहीं पर आपका, यहाँ पर देखिए पूरा सूचना डाल दिया गया है। ये देखिए रिजल्ट करेक्शन का यही सूचना जैसे ही कंप्यूटर सेंटर के द्वारा जारी किया गया था इस ग्रुप में डाल दिया गया था। यहाँ से देखिए BA ऑनर्स जो आपका 18-21 का रिजल्ट आया है वो लगभग 35,576 छात्रों का आया है। अगर आपका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है तो यहाँ से रिजल्ट करेक्शन फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद देखिए BSc ऑनर्स रिजल्ट लगभग 11,011 छात्र का आया हुआ है, रिजल्ट जारी नहीं हुआ है तो यहां से रिजल्ट करेक्शन फॉर्म का आप भर सकते हैं। BCom ऑनर्स वाले लगभग 2396, देखिए यहां पर 2396 छात्रों का रिजल्ट जारी हुआ है, यहां से रिजल्ट करेक्शन का फॉर्म भर सकते हैं। वैसे ही पास कोर्स वाले भी यहां से रिजल्ट करेक्शन का फॉर्म भर सकते हैं। तो टेलीग्राम पर आपको क्या लिखना है? VKSU, टेलीग्राम एक ऐप होता है, इसको इंस्टॉल कीजिए और सर्च कीजिए VKSURA ऑफिशियल और इसको सर्च करके इस ग्रुप में जुड़ जाइए। यहाँ पर जो भी नोटिस रहता है हम लोग डाल देते हैं। देखिए यही नाम है VKSURA ऑफिशियल, 3600 छात्र हैं, यहाँ पर आप लोग जुड़ जाइए। और जो भी स्टूडेंट बार बार एक ही सवाल कर रहे हैं कि सर पार्ट टू का एडमिशन कब से होगा, तो देखिए जवाहरलाल नेहरू कॉलेज का ये नोटिस है कि महाविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि BA BSc पार्ट टू का नामांकन दिनांक 18/9/2020 से आरंभ हो जाएगी। मतलब आपसे रिक्वेस्ट करता है एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा कि आप अपने कॉलेज में ज़रूर संपर्क कीजिएगा। बहुत सारे कॉलेज में नामांकन शुरू हो गया है। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर जवाहरलाल नेहरू कॉलेज का एग्जाम्पल बता दिया कि देखिए यहां पर पार्ट टू का नामांकन शुरू हो गया। तो स्टूडेंट बार बार एक ही सवाल कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे कि सर पार्ट टू का एडमिशन पर एक वीडियो प्रोवाइड करा दीजिए। तो हम लोगों ने आपके हाई डिमांड पर ये वीडियो प्रोवाइड कराया है। आप अपने कॉलेज में संपर्क कीजिए, बहुत सारे कॉलेज में एडमिशन पार्ट टू का शुरू होने लगा है। देखिए यह जवाहरलाल नेहरू कॉलेज का यहां पर है, 18/9/2020 से शुरू होगा। इसको जितना हो सके छात्र हित में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।